हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम पी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक कंसेप्ट ऑफ एलजेबरा जिसको हम लोग क्वालिटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं ठीक है तो हम लोग ने क्वालिटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा तरीका आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अब लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ मोर डिटेल्स अबाउट क्वालिटिक इक्वेशन ताकि आप थोड़े से डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें आपके फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ठीक है तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके साथ कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इजीगल्स टू वाई इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके एंड ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो इज अ स्पेशल केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विन y becomes equals to zero and that kind of a special case actually forms a root of the solution, ya root of the quadratic equation. ठीक है? तो अब हम देखने वाले हैं कि uh, किस तरीके से आपके roots या फिर आपका graph किस तरीके से बन सकता है? ठीक है? So the graph of quadratic equation can be something like this. इट कैन बी समोक आपके फॉर्म है ऑफ कॉर्डेटिक्वेशन जिस तरीके से आपकी ग्राफ इन अडेशन बन सकते हैं ठीक है लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगा तीन फॉर्म नहीं होता है तीन फॉर्म और होते हैं ठीक है तो विलिटल सरप्राइज आई गेट सो ठीक है तो अब वो बाकी के तीन फॉर्म्स क्या होते हैं वो देख लीजिए ठीक है सो so, बाकी के तीन फॉर्म्स होते हैं समथिंग लाइक दिस समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस ठीक है तो देर आर सिक्स फॉर्म्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है अब ये छह फॉर्म्स को जानने से पहले आपको कुछ मोर स्टोरी बिहाइंड आपको पता होनी चाहिए एंड दैट स्टोरी इज दैट व्हाट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ठीक है सो द डिटरमाइनिंग फैक्टर इज कॉल्ड बी स्क्वाइनस फोर ए सी एंड डिटरमाइनिंग फैक्टर क्योंकि श्री धराचार्य ने रूट्स या सॉल्यूशन को फाइंड करने का एक फॉर्मूला निकाला था कि वो किस किस वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए होगा तो वो होगा माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी माइनस फोर ए सी होल अपॉन टू ए के ठीक है तो दिस इज ऑफ़ एक्स ठीक है वैल्यूज बोला मैंने मतलब दो वैल्यूज निकलेंगी कम से कम ठीक है जो एक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होती है जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं उतने नंबर ऑफ रूट्स निकल सकते हैं ठीक है सो so, अब ये पूरे इक्वेशन में दो रूट कैसे आएंगे एक रूट आएगा अगर आप माइनस बी में माइनस कर दोगे अंडर रूट ऑफ बी स्कोर माइनस फोर डी लिख दू चलेगा और अगर आप उसको प्लस कर दो ठीक है तो ये वो दो वैल्यूज आ जाएंगी जिससे जो आपकी बेसिकली वो वैल्यूज होंगे जहां पे वाई जीरो हो जाता है ठीक है अब ई इज दिसनिंग फैक्टर क्योंकि अगर आप नोटिस करो so अगर ये जो डी की वैल्यू है अगर डी हो जाए negative, है? तो हमने क्या सीखा है तो वो कहलाते हैं रियल नंबर्स लेकिन अगर अंडरवूड के अंदर नेगेटिव हो जाए तो वो कहलाते हैं आपके क्या इमेजिनरी नंबर ठीक है सच नंबर इसके अंडरवूड के अंदर क्या आ जाए नेगेटिव वुड बी कॉल्ड इमेजनरी ऐसे रूटरव के अंदर आ जाए पॉजिटिव दैट वुड बी कॉल्ड रियल नंबर्स ठीक है सो so, अगर हमारे रूट इमेजनरी हो गया मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ठीक है तो ऑबी बात है कि आपका पूरा जो नेचर ऑफ द रूट है वो किस पे डिपेंडेंट है इस अंडरवुड के अंदर क्या है ठीक है अब आप बोलोगे इस पे भी तो होता है कि समथिंग अपॉन जीरो बात भी बिल्कुल सही है कि एनीथिंग अपॉन जीरो इज कॉल्ड अनडिफाइंड ठीक है, लेकिन क्योंकि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं है ना? तो पूरी इसकी हमें टेंशन नहीं होती है ठीक है सो व्हाट इज नेचर हमने ये बोला था कि आपका ए की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है ठीक है अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो बनेंगे ऐसे ग्राफ्स मतलब स्माइलिंग फेस है स्माइलिंग फेस अप का मतलब क्या है ठीक है तो ऐसा ग्राफ अगर बनाना है ठीक है ये किसी की बच्चे की ठीक है तो अगर स्माइलिंग फेस आपको अप आप बनाना है मतलब स्माइल कराना है तो इसका मतलब आपको ए चाहिए है मोर देन जीरो ठीक है लेकिन अगर उसी बच्चे को आपको फ्राउन कराना है ठीक कर है क्राई करवाना है ठीक है तो उसके लिए ए की वैल्यू चाहिए आपको नेगेटिव ठीक है तो दिस इज अ फ्राउनिंग ग्राफ जहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव जहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव जहां पे ए की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव ठीक है अब अगर आपका डी मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो गई मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो रूट हो जाएगा इमेजनरी मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल वर्ल्ड में तो ये वो ग्राफ होता है जो जिसमें कोई भी ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स आएगी ही नहीं जो y को जीरो कर दे क्यों क्योंकि y इज इक्वल जीरो कहलाता है एक्स एक्सेस है ना सो so, d नेगेटिव d नेगेटिव वुड बी दीज टू ग्राफ्स ठीक है एंड एक और इंपॉर्टेंट थिंग

सो so, दोनों ही सिनेरियो में आंसर क्या आएगा माइनस बीट टू ए ही आएगा ठीक है इसलिए d zero, ये होगा और उसमें द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई बिकम जीरो वुड बी माइनस बीट टू इससे हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिसाइफर करी एंड दैट थिंग इज कि ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होता है ठीक है इसका वैल्यू भी यही होगी ये जो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होता है ठीक है दिस पॉइंट वेर एक्स वैल्यू इज माइनस बी अपॉन टू ए ठीक है मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा इसमें y की वैल्यू क्या होती है माइनस डी अपॉन फोर ए होती है ठीक है सो दिस पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन ओके इसको हम लोग p बोल देते हैं अभी के लिए इन ऑल दी सिनारियोज दिस इज पी ठीक है यहां पे जीरो माइनस डी अपॉइंट फोर ए क्योंकि डी जीरो इन दोनों ही जगहों पे दिसने ठीक है नेक्स्ट वीडियो हम लोग वैल्यू भी फाइंड करके आपको दिखाएंगे ठीक है चले सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन सो पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ A point of क्यों क्योंकि ये वो point है जिसके बाद हमारे पूरे ग्राफ का नेचर चेंज होता है ठीक है अगर आप यहां पे नोटिस करो तो एक्स जैसे, जैसे बढ़ आए, वैसे घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है इट इज रिड्यूसिंग 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 दिस इज द्वाइंट ऑफ मिनिमा ठीक है इसके बाद चेंज

कई सारे में इसलिए इसको बहुत प्रॉपरली नोट कर लो माइनस बी अपॉन टू एंड माइनस डी अपॉन फोर ए आर इन्फ्लेक्शन ठीक है एंड ये जो दो ग्राफ्स है जहां पे आपका डी नेगेटिव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैक्सिमा मिनिमा काइंड ऑफ क्वेश्चन में क्योंकि एक और काइंड ऑफ क्वेश्चन में जो लिखने वाला हूं यहाँ पे दिस ग्राफ

ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर ठीक है सो ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ ऑलवेज नेगेटिव ग्राफ ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे वो बोलेगा कि फॉर वट वैल्यू ऑफ एक्स इज वाई या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कॉफिशेंट बोल देगा आपसे बी एक्स प्लस सी में कोई एक वैल्यू आपसे बोलेगा कि आप, आपको नहीं दे रहा है वो और आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू ऑफ बी हो जाए कि ये पूरा जो आपका ग्राफ है वो क्या हो जाए ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए ठीक है इसका मतलब आपको ये एंश्यो करना है कि सी क्या हो जाए नेगेटिव ठीक है और ए पॉजिटिव होना चाहिए तो अपने आप द बिकम ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है तो काफी अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बातें हैं ये ठीक है अब इसके आगे के जो डिस्कशंस है ये वाले पॉइंट का डिस्कशन है ठीक है और एक और जनरल फॉर्म क्या होता है ठीक है मल्टीपल चीजें हैं जो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियोस एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि जितना आपको हम बता रहे हैं अगर उसको आप प्रॉपरली नोट नहीं करोगे सो so ऑब्वियसली आपको वो चीजें जो है अभी अच्छी लग रही है लेकिन जब आप नोट नहीं करोगे आप उसको थोड़े टाइम के बाद भूल जाओगे वेन विल राइट इट इन द वे आई हैव तो अपने आप, आपके माइंड में वो चीजें बैठ जाएंगी